हमारा देश भारत अति प्राचीन व्यवस्था का पोषक, विभिन्न संस्कृतियों और विचारों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति हमारे देश की प्रमुख विशेषता रही है। आप जानते हैं कि हर्ष की मृत्यु के बाद हर्ष साम्राज्य का पतन हो गया था। परिणामतः विशाल हर्ष साम्राज्य टुकड़ों में विभाजित हो गया और उत्तरी भारत में प्रतिहार, गहाड़वाल, चंदेल, चौहान, सोलंकी, परमार, पाल और सेन वंशों में स्वतंत्र अस्तित्व के साथ राज्यों की स्थापना की। इसी समय दक्षिण भारत में परिवर्तन का दौर आरंभ हुआ और कुछ स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। दक्षिण भारत का प्रथम स्वतंत्र राज्य राष्ट्रकूट। दक्षिण का स्वतंत्र राज्य राष्ट्रकूट नर्मदा नदी के दक्षिण में वर्तमान महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। पहले पूरा क्षेत्र चालुक्यों के अधीन था, पर परिवर्तन के इस दौर में सन 753 ईस्वी में चालुक्यों को पराजित कर राष्ट्रकूट के शासक दंती दुर्ग ने इस स्वतंत्र राज्य का विस्तार किया। वंश के एक अन्य प्रतापी शासक राजा गोविंद तृतीय ने कन्नौज तथा बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर राष्ट्रकूट की सीमा का विस्तार किया। कृष्ण तृतीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने दक्षिण के चोल वंश के शासकों को पराजित कर अपने प्रभुत्व को बढ़ाया। कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद इस राज्य का पतन हो गया और पुनः चालुक्य वंश ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। राष्ट्रकूट के पतन के बाद चालुक्य वंश एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ। इस वंश का राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण से लेकर कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। अपनी स्थापना से लेकर पूरे कार्यकाल तक इस वंश के शासकों का पल्लव और राष्ट्रकूट शासकों से संघर्ष चलता रहा। वंश के प्रमुख शासक पुलकेसिन द्वितीय ने न केवल उत्तर भारत में हर्षवर्धन को पराजित किया, वरन पल्लवों पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने सन 753 ईस्वी में चालुक्यों को पराजित किया और इसी के साथ इस राज्य का पतन हो गया। बाद में इस वंश की एक शाखा ने राष्ट्रकूटों को हराकर
सन 973 ईस्वी में मध्य हैदराबाद के कल्याणी में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चालुक्यों के पतन के बाद दक्षिण भारत में पल्लव वंश का उदय हुआ, किंतु पल्लव वंश का शासन पूर्णतया अस्थायी रहा। हालांकि पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने सन 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अपना अधिकार स्थापित किया था, परंतु बाद में चालुक्यों ने वातापी पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नवी शताब्दी में राष्ट्रकूटों तथा चोल शासकों ने भी पल्लवों पर आक्रमण आरंभ कर दिया। सन 885 ईस्वी में चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश के शासक को पराजित किया और कंजीवरम पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और पल्लव राज्य का अंत हो गया। इसी समय निरंतर संघर्ष करते करते चोल वंश का आधिपत्य चेन्नई प्रांत के तंजोर और तिरुचनापल्ली जिलों में स्थापित हुआ। नवी शताब्दी तक इस वंश में कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुआ, परंतु इसके बाद इस वंश के शासकों ने भरपूर साम्राज्य विस्तार किया। इस वंश के शासकों ने न केवल दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया, वरन उत्तर भारत पर भी आक्रमण किया। इस वंश के शासकों ने कलिंग से लेकर गंगा के तट तक ही अपना अधिकार स्थापित नहीं किया, वरन बर्मा पर भी अपने प्रभुत्व की स्थापना की। इस काल में दक्षिण भारत में तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं की उन्नति हुई। राजा स्वयं भी शिक्षा और साहित्य के प्रेमी थे। राष्ट्रकूटों के समय में वल्लभी तथा कन्हेरी के विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे, कांची शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चोल शासकों के समय में तमिल भाषा की विशेष उन्नति हुई। इसी समय कंबन द्वारा तमिल भाषा में रामायणम की रचना हुई। स्थापत्य कला की दृष्टि से ये काल बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। इस काल के प्रमुख स्थापत्य कला के उदाहरण के रूप में महाबलीपुरम का तटवर्तीय मंदिर और तंजौर के मंदिर में रखी नटराज की मूर्ति प्रमुख हैं। इस प्रकार दक्षिण के छोटे छोटे राज्यों के अभ्युदय से कला और संस्कृति के अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक उदाहरण हमें प्राप्त हुए, जो आज भी हमारे लिए अमूल्य धरोहर है।